नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। दिल्ली में उड़ीसा से गांजा लाया जाता है। जी हां, यह खुलासा गाजियाबाद में कवि नगर पुलिस ने किया है। गाजियाबाद की कवि नगर पुलिस ने 19 किलो गांजा पाउडर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राहुल है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, और उसने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि वह उड़ीसा से गांजा लेकर आता है और NCR में सप्लाई करता है। निशाने पर युवा लड़के लड़कियां होते हैं जिनको नशे की लत पड़ गई होती है और वह किसी भी तरह नशे के पीछे दौड़ते हैं। पुलिस का कहना है कि राहुल का एक साथी फरार हो गया है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना कवि नगर में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास 19 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक इटियोस कार, जिससे कि वो उस गांजे की सप्लाई करता था, वो भी इसके पास से मिली है। पूछताछ करने पर इसने बताया कि ये उड़ीसा से इसके पास ये गांजा आता था और ये यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में, कवि नगर और विजयनगर के क्षेत्रों में ये गांजा बेचता था। इसका एक और साथी है जो कि इसके साथ इस काम में संलिप्त था, जो कि अभी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है। उम्मीद है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी। सर, गाजियाबाद में गांजा तस्करी का जो खेल है वो बड़े पैमाने पर है। एक तस्कर आपने अभी पकड़ा है, बाकी जो अभी इसी तरह के गांजा तस्करी के लिए पुलिस क्या कुछ है? देखिए, लगातार क्षेत्र से सूचना संकलित की जाती है। यदि ऐसी कहीं से जानकारी मिलती है कि कहीं पर गांजा बिक रहा है, बच्चों को गांजा बेचा जा रहा है, तो वहाँ तत्काल छापेमारी की जाती है। उसी के क्रम में ये गिरफ्तारी भी हुई है। उम्मीद है कि हम आगे और लोगों को भी, जो भी इस काम में संलिप्त हैं, उन सभी की गिरफ्तारी करेंगे। पेश है गाजियाबाद से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट।